गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, डायरेक्ट कुकर में बनाना है। और ये देखिए, जितना आप मतलब कुकर में सीटी दिलवा के और कढ़ाई में बनाएंगे, उतनी उससे कम टाइम में ये बन जाता है। तो यहाँ मैंने सिंपली एक कुकर लिया है, उसमें तेल डाला है और उसमें ना प्याज लंबे लंबे काट के और उसको अच्छे से मैंने रोस्ट कर दिया है। इस तरीके से अच्छे से रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैंने उसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया है, और ये सब जाएगा ठंडा होने के बाद ग्राइंड करने में। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी जार ले लिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, ये देखिए। और इसके साथ साथ हम टमाटो प्यूरी भी बना लेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज वाला पेस्ट रेडी हो गया और इस तरीके से टमाटो प्यूरी भी बना लेना है। पर टमाटर को हमने रोस्ट नहीं करना है, वो हम डायरेक्ट कच्चा ही प्योरी बना लेंगे उसकी। तो चलिए, हमने वही कुकर वापस ले लिया है और उसमें तेल डाला है, फिर थोड़ा हींग डाला है, तेज पत्ता डाला है, और ये देखिए थोड़ा जीरा भी डाल दिया है। और इसको थोड़ा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, बारीक चॉप किया हुआ। और फिर मैंने डाल दिया है इसमें लाल दालचीनी थोड़ी सी, और एक बड़ी इलायची डाल दी है उसको कूट के। और ये देखिए, इसको अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसमें, तो मैं तेल थोड़ा और डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी डाल देंगे। और ये देखिए, तो ये जो टमाटो प्यूरी का जो जार है ना, वो पूरा भी खाली नहीं हुआ है, तो उसमें मैं बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से डाल दूँगी। पर उसके पहले मैं मसाले डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा अपन हल्दी पाउडर भी डाल देंगे इसमें, ये देखिए। और ये जो मसाले हैं, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जितना अच्छे से भूनेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, पूरा तेल तेल ऊपर आ जाता है, और इसमें मैंने जो बचा हुआ पानी था टमाटो प्यूरी का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का जो पेस्ट था, वो इसमें डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटे हुई हरी मिर्ची डाल दी है। आपको चाहिए तो आप लहसुन के साथ भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको बाद में डाला है, ये देखिए। और इसमें डाल दिया है मैंने छोले मसाले, ये देखिए, इतना छोला मसाला काफ़ी है। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा मसाला जलेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने छोले वाला ही डाला, क्योंकि वो फ्रेश पानी था। तो ये देखिए, छोले को मैंने रात भर भिगो के रखा था। रात भर भिगोते हैं तो छोले अच्छे भी बनते हैं ज़्यादा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके, और जब एक उबाल आने वाला हो तब हम इसमें सीटी लगा देंगे। तो 3 हाई फ्लेम पे और 3 मीडियम या लो फ्लेम पे सीटी लगाइए, तो और अच्छे से वो गल जाएंगे। और अगर आपको ऐसे प्रेस करके देखना है छोले को कि अच्छे से वो गले हैं या नहीं गले हैं, और अच्छे से नहीं गले हो तो 1-2 सीटी आपको और लगानी है। और यहाँ मैंने ऐड किया है गरम मसाला थोड़ा सा। गरम मसाले के साथ मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल दी है, ये देखिए। कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश करना है और इसमें डाल देना है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और ये हमारे छोले जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, ये देखिए। इसको थोड़ा सा और कुक कर लेंगे हम। अगर आपको कच्चे लगते हैं तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो छोले हैं, ये पक चुके हैं अच्छे से, तो ये छोले रेडी है। इसमें आप नींबू डाल के अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से सर्व कर लिया है मैंने। आप जब खाएं तो इसमें नींबू डालें, प्याज डालें, धनिया पत्ता डालें, और फिर एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ, ताकि आपको मेरी रोज़ रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।